हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज ना मैं आपको काबुली पुलाव बनाने की रेसिपी दूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए वैसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप चावल लिया, 2 प्याज लिया है, तेज़पत्ता, इलायची, लौंग और जीरा लिया। यहाँ पे काबुली छोले लिए हैं जो मैंने भिगो दिए थे। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और एक मोटी इलायची का पेस्ट बनाया है। और यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया है। यहाँ पे हल्दी ली है और नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग दे सकते हैं। यहाँ पे कुकर है जिसमें मैं तेल डाला है। इसमें अब मैं सारे होल स्पाइसेस और प्याज को डाल दूंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इसमें डाल दिया। फिर इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तो देखिए अच्छे से हो रहा है। इसमें फिर हम ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची और एक मोटी इलायची का जो पेस्ट बनाया था उसमें डाल के अच्छे से चला देंगे। सिर्फ आपको एक मोटी इलायची डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। और यहाँ पर फिर जो मैं भिगोया हुआ छोला था वो भी साथ में डाल दूँगी कि साथ में ये भुन जाए। इसको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद इसको ना फिर इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। टमाटर डाल के इसको अच्छे से चलाएंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका तेल ऊपर आ चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है। और इसमें अब हम 1 गिलास पानी डालेंगे। मैंने 2 कप चावल लिया था, उसमें 1 गिलास पानी मैंने डाला है। और यहाँ पे देखिए, फिर मैं इसको चावल को डाल दूँगी। चावल को डालने के बाद इसको अच्छे से आपको चला देना है। चलाने के बाद जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको अच्छे से चला दिया। इसमें बबल्स आना जब स्टार्ट हो जाए, इसमें आप लिड लगा के रख दें और इसकी 2 से 3 सीटियाँ आने तक का वेट करें। 2 सीटियाँ आपको फुल फ्लेम पर लगानी है, तीसरी सीटी जो आपको है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर लगानी है। तो देखिए मेरा काबुली पुलाव बन के तैयार है। कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी भी इसमें भाप आ रही है जो कि मेरे कैमरे में आपको दिख रही है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रही।